नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। वाह बाजी, क्या बात है। आजकल ड्राइव उत्तर प्रदेश में ये चल रही है, सफाई करनी है, गंदगी नहीं। भाजी पान से शुरू किया है, और भाई पाजी पान तो उत्तर प्रदेश में सब खाते हैं, लेकिन ये जो थूकने की आदत है ना पाजी, इसी पे ड्राइव है। और बड़ी गजब की है साहब, पाजी ना जाने कितने, अपने ज़माने में पाजी इतने तरह के पान नहीं होते थे। ये फायर पान भी है, पटाखा पान भी है पाजी, पटाखा पान, फायर पान, क्या बात है। ये भाई फायर पान क्या होता है, फायर पान कौन होता है? हाँ जी, फायर पान, फायर पान। फायर में क्या होता है? मीठा होता है, थोड़ा रसीला मीठा होता है। क्या नाम फायर क्यों है? मिंट होता है उसमें, इसलिए फायर होता है। हाँ जी, अरे भाजी इसमें मिंट होता है इसलिए फायर होता है, लेकिन उसमें बाहर थूका जाता है या नहीं? थूका जाता, थूकने वाली चीज़ नहीं है, थूकने वाली चीज़ नहीं, सब अंदर ही चला जाता। अब गुटखा जैसा, गुटके में जैसा होता वैसा नहीं है? वैसा नहीं। भाजी होशियार आदमी जानता है, आज ही खबर इसने समझ ली है, बाहर थूकना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ड्राइव चला रखी है। और जो मुख्यमंत्री जी ने ड्राइव चलाई, सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उनमें कोई पान खा के थूकेगा नहीं। लेकिन भाजी सिर्फ सरकारी दफ्तर क्यों, निजी जगह क्यों नहीं, है ना? पान खा के आप खाते हैं पान? नहीं सर, मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाता। अरे मैं मुख्यमंत्री थोड़ी ना, जो आप इतना डर के बोल रहे, नहीं खाते हैं कि नहीं खाते बता दीजिए। नहीं खाते सर। अब गुटखा? गुटखा भी नहीं खाते। हाँ बाजी, 12 जगह वैसे पूरे देश में गुटखा नहीं खाया जाता, लेकिन बाजी क्या करें, उत्तर प्रदेश में, हाँ कानपुर, बाजी मुझे मालूम है, तुम्हें याद है ना वो कानपुर का जगह, हाँ गुटखा खाया और दाएं बाएं दाएं बाजी, लेकिन अब नहीं चलेगा। वहाँ होता बहुत, लेकिन यहाँ क्या कम है? यहाँ भी होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है ना, होता है लेकिन कम है, वहाँ से कम है, यूपी से कम है। लेकिन मैं तो खड़ा नहीं होता, मैं है, लेकिन ये दिल्ली से अटैच है इसलिए लोग, दिल्ली से अटैच है भाजी, थोड़ी सी चमक आ जाती है ना, दिल्ली से अटैच हो जाते हैं, काम करो पता ही नहीं चलता, यही होती है चमक, और कुछ नहीं होती भाजी, होता है यहाँ भी है। लेकिन भाजी हमारे वो जो सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी, वो आज पहुँच गए साहब सचिवालय और तमाम सरकारी दफ्तर, और वहाँ का जो जायजा लिया ना भाजी, तो आइए जरा दिखाते हैं क्या है हालात। उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में पान मसाले थूकने की आदत अब शायद अधिकारी और कर्मचारियों को बदलनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सचिवालय का आज दौरा किया, और इस दौरे में वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री का जो तल होता है, जिसे पंचम तल कहा जाता है, वहां नहीं गए, बल्कि पूरे के पूरे कार्यालय का पैदल ही भ्रमण किया, पैदल दौरा किया। और इस बीच उन्होंने देखा कि कई ऐसी जगहें जो कि कोने पर होती हैं, जहां लोग कर्मचारी अधिकारी पानी पीने जाते हैं, वहां पर पान मसाले की पीक, गुटखे की पीक काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, दीवारों पर वो निशान पड़े हुए हैं, और इस तरीके से सचिवालय की जो दीवारें हैं वो बेहद गंदी हो रखी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सचिवालयों में या सरकारी कार्यालयों में इस तरीके की व्यवस्था बदलनी चाहिए। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस सचिवालय में साफ साफ लिखा हुआ है कि पान मसाला गुटखा खाकर थूकना सख्त मना है, लेकिन उसके बावजूद जिस जगह पर यह लिखा है, ठीक उसके नीचे के आलम ये हैं कि वहीं पर पान की पीके थूकी जाती हैं, वो मशीन जहां अधिकारी कर्मचारी या आम लोग जो यहां सचिवालय में काम से आते हैं वो जहां पानी पीते हैं, उसी के किनारे पर बिल्कुल पान मसाला या गुटखा खाकर लोग थूकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि हालात अब बहुत जल्द बदलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो अधिकारी कर्मचारी इस तरीके की आदत रखते हैं, इस तरीके का शौक रखते हैं पान मसाले का, वो सरकारी कार्यालयों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, न्यूज 18 इंडिया। पाजी देख लिया, पाजी सुन लिया, भाजी क्या ऐसा थोड़ी ना है पाजी, चॉकलेट पान है यहाँ पे पाजी, इसमें थूका नहीं जाता। तो साहब सफाई अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री साहब खुद चाक चौबंद होकर मुआयना कर रहे हैं कि कहीं कोई पान मसाला तो नहीं खा रहा। सही बात है, बिल्कुल करना चाहिए सर आपका तो ये है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए सफाई अभियान में सर, कोई गुटखा खा के ना फेंके, कोई बाकी चीज़ें खा के ना फेंके रोड पे, जब रोड पे नहीं डालना चाहिए कोई भी आइटम, जब डस्टबिन है तो डस्टबिन पे डालें, जब गवर्नमेंट इतना कर रही है। मतलब मसाला खाए ना, जरूर मसाला ना खाएं, कोशिश ये है कि ना खाएं, लेकिन जो खा रहे हैं उनको क्या कह सकते हो, लेकिन उनका कोशिश ये है कि कम से कम खाएं। आप नहीं खाते ना? ना सर, मैं कुछ नहीं खाता सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा करते हैं आप भाई, आप खाते हैं तम्बाकू? देखो वो भी खड़े नेता जी समाजवादी पार्टी के, वो कहां अनिल जी, वो समाजवादी पार्टी के वो अनिल जी खड़े हैं। अरे क्या बात है बाजी, नेताजी भी खड़े हैं।
क्या अनिल जी हैं, अनिल जी समाजवादी के, समाजवादी पार्टी के हैं। अच्छा, वो आपके जान पहचान के हैं? नहीं, क्यों नहीं जान पहचान के भाई, जब एक समाज के हैं तो जान पहचान क्यों नहीं होगी। तो आइए, चलिए हमको मुलाकात करवाइए, चल के आइए, मुलाकात क्या आप खुद करिए। अनिल जी मौजूद हैं, क्या बात है अनिल जी। और लोगों ने बताया कि अनिल जी, और देखिए साहब पाजी, फुटपाथ पर अगर नेता मिले तो समझिए बहुत अच्छा दिन है और बहुत बढ़िया। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, समाजवादी लोग तो हमेशा रोड पे और जनता के बीच में ही मिलते हैं। क्या बात है, समाजवादी लोग जो हैं हमेशा फुटपाथ पे मिलते हैं। और हमारे साथ सुनीता जी भी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का आज यहाँ पे मत रखने के लिए आई हैं। क्या बात है सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग बाकी को खड़े, लेकिन एक पाजी एक ड्राइव और शुरू हुई है। आप भी किसी पार्टी से? नहीं जी, काम किसी पार्टी से नहीं है। लग रहा है आपको? ओ, लग रहा है कोई बात नहीं, पार्टी से नहीं है। कैसे? अच्छा अच्छा, मुझे लग क्यों रहा है ऐसा? अब लग रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें। लगने का क्या है? लगने तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको देख के नहीं लग रहा है मुझे? नहीं लग रहा है। इनको देख के क्यों लग रहा है? बहुत बढ़िया, चकाचक कपड़ा पहने हुए पाजी। लेकिन हर जो चकाचक कपड़ा पहने हो, सफेद कपड़ा, वो जरूरी नहीं है कि वो नेता हो। क्यों, क्या कहते हो? राइट राइट राइट। आजकल मालूम है क्या चल रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड बन गया है उत्तर, पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं जो अगर कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं लड़कियों के साथ। ठीक किया ना? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो पहले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेफ्टी है सबके लिए, सेफ्टी। ये मुद्दा बड़ा था, मुद्दा ना? बिल्कुल सही जी। तो पाजी, ये मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, इस पे बातचीत के लिए तमाम लोग। और हमारे साथ बीजेपी के, हाँ पाजी, स्पोक पर्सन भी जुड़ गई हैं, अनिला जी आ गई हैं पाजी। वाह, तो अब तीन लोग तो हमारे साथ यहाँ पे फुटपाथ पे मौजूद है, बाकी पाजी जनता तो रहती है आपके साथ, जनता तो कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे साथ आई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इट इज अ प्लेजर टू कम ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाजी। अपना तो क्या है, फुटपाथ पे तमाम सारे लोग मिल जाते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ देते हैं। पाजी को रिपोर्ट अभी देखनी है, जो बात है कि रोमियो वाली, कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, या बाद में बात करें पाजी? अभी नहीं ना पाजी, जैसा कहो तुम्हें। तो हमें तो बात हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ती है ना। तो साहब, ये जो स्क्वाड बना एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसको लेके सरकार ने भी पहले भी बात की थी कि एफआईआर 24 घंटे के अंदर दर्ज होगी, तमाम बातें थी, तो वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा। ठीक है, ठीक कर रहे हैं योगी जी, सही कर रहे हैं योगी जी, सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। आप घबराते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने सवाल ही नहीं पूछा किससे। नहीं, आप मेरे पास आएगा। क्या बात है भाई, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से नोएडा में आए हैं? रुक गए होंगे तमाशा देखने के लिए? नहीं नहीं, आप टीवी पे बराबर आते रहते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा होता। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि एक तो गुटखा खाने वाला फैसला हुआ सफाई अभियान के तहत, वो अच्छा फैसला हुआ या नहीं? मैं नेताओं के पास जाऊँ उससे पहले। ये तो पहले बंद होना चाहिए गुटखा वाली। ये तो हमारे अखिलेश जी भी को बंद करना चाहिए, अब वही काम हमारे नए मुख्यमंत्री योगी जी नाम भूल रहे हैं, देखे नाम भूल रहे हैं योगी जी का, पहले करना चाहिए हमारे समाजवादी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, अभी मोदी जी ही याद है लोगों को, योगी जी याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी याद आ रहे हैं अभी? तो वो तो कह रहे थे अखिलेश का नाम याद था उन्हें, मोदी, उनको योगी जी का नाम नहीं याद। अखिलेश जी को तो अभी देखिएगा, 5 साल बाद फिर याद करेंगे लोग और फिर बहुमत से लाएंगे। देखिए, नेताओं ने फुटपाथ पे अपनी पत्ते फेंटने शुरू कर दिया। और हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, एक ब्रेक ले लें भाई, तुम तो अभी आयो। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी। मुद्दा मालूम है ना, कौन सा मुद्दा बात कर रहे हैं बताओ? की बात चल रही है और योगी जी की बात चल रही है। कुछ ना हो तो कहीं तो मोदी जी, और ना हो याद हो तो कहीं तो योगी जी। बात चल जा रही है आजकल, यही चल रहा, सारे एंकर भी यही काम कर रहे हैं, पहले मोदी जी और कहीं से शुरू कर दो योगी जी। तो वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। और जनता, क्या बात है, जनता तो मौजूद ही है हर जगह, और बातचीत के सिलसिले को शुरू कर देंगे। पाजी भैया जी, कहीं में एक बार आपका फिर स्वागत है, नोएडा में मौजूद है पाजी, बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ना है, और जनता भी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पाजी, जैसा आपके लिए सब आते हैं, और नेता भी फुटपाथ पर मौजूद हैं बातचीत के लिए, सब लोग यहाँ पे बातचीत। और बातचीत पाजी सफाई अभियान पर हो रही थी, बात दरअसल वहाँ से शुरू हुई कि सरकारी दफ्तरों में पान कोई नहीं थूकेगा, गुटखा कोई नहीं थूकेगा, और यहाँ से बात, और सिर्फ यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा कि सफाई जो अभियान है सड़कों पर और स्कूल के बाहर भी जो छेड़छाड़ होती है उसको भी रोका जाएगा। तो फैसला अच्छा है,
बुरा है क्या है तो जनता बताएगी, नेता भी मौजूद है। सबसे पहले हम बीजेपी से लेते हैं। तो जी सवाल ये है कि अनिला जी, फैसला तो योगी जी ने ले लिया है और जनता, आपने पहले भी कहा था, अमित शाह जी ने मुझे याद है इंटरव्यू में कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है आप व्यवस्था जो शासन की है कहीं कुछ ऐसे लोगों के हाथ में दे दे कि कुछ गड़बड़ होने लगे? नहीं, ये जो भय है आपका या जनता का बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि जैसे कोई अच्छा कानून आता था या कोई भी अच्छी योजना आती थी तो उसका दुरुपयोग होता था, परंतु ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होने वाला है। और जितने रोमियो घूम रहे हैं जिनकी वजह से बच्चियां जो हैं कॉलेज और स्कूल नहीं जा पाती हैं, जो फप्तियां कसते रहते हैं, पता चला मोटरसाइकिल पर बैठे और कान में लीड लगाई और गाना गुनगुनाते जाते रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। भैया जी, या तो स्टार्टअप शुरू कर दो और नहीं तो लड़कियों को मत छेड़ो, घर में बैठो, माँ बाप की सहायता करो, अब वो समय आ गया है। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, सड़क भी शुद्ध। क्या बात है, तन भी मन भी और सड़क भी शुद्ध। देख देख के मुस्कुरा रहे हो मेरी तरफ, देख देख के अभी आ रहा हूँ मैं तुम्हारी तरफ। लाठी चल रही है आजकल, जो व्यवस्था कानून की है वो मजबूत हो गई है, सख्त हो गई है, हम सबको बिल्कुल सुधर जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अनिल जी ये जो व्यवस्था है, उन्होंने कहा तन मन और साथ में सड़क, सबके शुद्धि का कार्यक्रम चल रहा है अनिल जी, जो आप ना चला पाए समाजवादियों के। ऐसा नहीं है, देखिए महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके का, चाहे ईव टीजिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो, समाजवादी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में कोई भी काम करती है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। आपको याद ही होगा कि हमने 1090 नाम की सेवा की थी जिससे लाखों महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया था। पर ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जा रहा है, इसके नाम पर जो निर्दोष लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ पर वो लड़का और लड़की उधर जा रहे हैं, वहाँ एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं, ऐसे शख्सों को पुलिस पकड़ के परेशान कर रही है। कोई भाई कॉलेज पे अपनी बहन को लेने जा रहा है, पुलिस उसे पकड़ के परेशान कर रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। आप नहीं, झांसी की घटना है, झांसी की घटना है, वहाँ पर लड़के से ऊपर बैठक उठक बैठक लगवाई लड़के से झांसी में। अरे आपने, अगर आप ये बताइए बजरंग दल का काम क्या आप इनकी पुलिस कर रही है? योगी जी की सरकार बजरंग दल का काम कर रही है? योगी बोल रहे हैं, योगी। पहले हम तो सुना थे जब तुम योगी बोलते, मुझे कान में पड़ता मोदी मोदी मोदी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनको भी पता है कि योगी तो यहाँ नाम के हैं, रिमोट से तो मोदी जी ही चला रहे हैं दिल्ली में। पांच पांच मुख्यमंत्री तो आपके समय हुआ करते थे, तीन तो आपके में हुए हैं यूपी में। मुख्यमंत्री को दो दो आपने बैसाखी दे दी। अरे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो अनिल जी, अपने कार्यकर्ताओं को कह देना जरा अपनी आदतें सुधार ले, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये योगी की सरकार है, यहाँ पे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपको बधाई देते हैं, आप अच्छा जितना भी जनहित में काम करेंगे, एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हम आपका साथ देंगे। जनता ने आपको बहुत बड़ा बहुमत मिला है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर बिना कानून व्यवस्था के और बिना संविधान के आप चीजें चलाने लगे। तालिबान नहीं है, तालिबान नहीं है, आप बच्चियों के साथ नहीं है, बच्चे और कॉलेज जो नहीं जा पाती है। अच्छा एक बार मैं आपसे, प्रतीक जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अरे कैसी बात कर रही है प्रतीक जी, आप एक बार कैमरा उधर दिखाइए, वहाँ एक लड़का लड़की बैठे हैं, अगर इनसे पुलिस पकड़ के दिखाना। अरे वहाँ क्यों दिखा बाजी, बाजी वहाँ ना दिखाना, वो लड़का लड़की हम जानते हैं बाजी, ऐसे कैसे दिखा दोगे यार? ऐसे लोगों को अगर पुलिस परेशान करती है तो ये बिल्कुल गलत है। क्या अधिकार है पुलिस को? अगर बजरंग दल का काम आप देखिए, वैलेंटाइन डे पे बजरंग दल क्या करता है, ये काम अगर पुलिस करने लगेगी तो क्या रहेगा? अनिला जी इनको मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनको ऐसी आशंका है, और जो अगर विपक्ष की आशंका है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आप भी पूछती रही तो उसको समाधान आपका करना आपका काम है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी ऐसा है, ये विपक्ष में बैठे हुए हैं और एक सकारात्मक विपक्ष की हम अपेक्षा करते हैं। ये नहीं कि आज हम बच्चियों के लिए जो हमने वायदा किया था आज हम कदम उठा रहे हैं तो विरोध में ये बोल रहे हैं, अरे ये क्या काम कर रहे हैं, अरे जो बेकसूर है। इससे पहले 10 रुपए था, 10 रुपए अच्छा काम कर रहा था यूपी में, 10 रुपए यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहा था, 10 रुपए में कुछ नहीं हुआ। काउंसलिंग सेंटर आए दिन हर 2 घंटे में एक बलात्कार, क्या हुआ? बरेली में 150 बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया, हाल ही में
दो दिन हुए हैं योगी जी को आए हुए, 6 से ज्यादा रेप की घटना हो गई है। हालांकि मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा था, 11 के आसपास मर्डर हो चुके हैं जब से योगी जी आए हैं, पर मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि देखिए अभी 2 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए। प्रवीण जी, समाजवादी पार्टी जो है अभी तक अपने जो जब ये सत्ता में थे उस खुवार से निकल नहीं पाए, अरे लौट आइए, ये गिनतिया, ये क्राइम अपने टाइम का मत बताइए, ये योगी सरकार है। खड़े बगल में मजा ले रहे हो तुम, बताए आराम से हैं, लड़ रहे नेता, आनंद जनता 325 सीट दे दी, अब आराम से बैठोगे क्या? सुस्ता के जनता को तो फायदा होने वाला है। कैसे? सुशासन होगा। अनीता, मैं भाग्य सुनीता जी, ये जनता कहती है कि सुशासन होगा, इससे पहले क्या था बताइए? विपक्ष में तो आप थी, अलबत्ता कुछ दिनों के लिए आप चला साझा कर लिया, लेकिन आप बताइए क्या होगा? देखिए ऐसा है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, 2 दिन हुए आए, अभी एकदम इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए कि सुशासन और कुशासन मिलेगा। रही बात एंटी रोमियो की, हमने गुड़गावा में भी देखा है, आपने भी सुना होगा, एंटी रोमियो हमने जहां प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां देखा है। आप ये देखिए बड़ी लेटेस्ट सूचना वो है कि कच्छ में क्या हुआ। जी 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 जी, ठीक है। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ, आप देखिए केंद्र में क्या हुआ। नहीं पता एंटी रोमियो किसने बनाई? अरे अनीता जी सुन लीजिए, यहाँ पर जो चौधरी जो होते हैं, जो लड़कियों को बड़ा कॉरप्ट मुद्दा है, हमारी बच्चियों का मुद्दा है, हम इसका स्वागत करते हैं कि ये लोग एंटी रोमियो कोई अभियान चला रहे हैं, पर वो देखिए इसमें सवाल को ऐसे रखते हैं कि देखिए ये सवाल था कि लड़कियां कहती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मसला बहुत बड़ा है, ये मैं खुद घूम के आ रहा हूँ, सेंट्रल यूपी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूर्वांचल में बड़ा मुद्दा है, बुंदेलखंड का इलाके में उतना हिस्सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि घर से लड़कियां जाती थी वहां पर छेड़छाड़ होता था, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, ये सच या झूठ है? अनिल, ये सच या झूठ है? बोलना, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ, मैं भी गई हूँ शहर गांव, और लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती है। जोर से बोलो योगी योगी। रुको, देखिए हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हम योगी जी बोल के इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको हम पॉइंट पे आना चाहिए। अनिल, सवाल का जवाब। 2 दिन में हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। पहले ही लाइन में ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ अभद्रता करने वालों के खिलाफ सरकार जो भी फैसला देगी हम उसका समर्थन करेंगे और साथ रहेंगे। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि विपक्ष आपको अच्छे फैसलों में भी साथ दे रहा है, पर अगर गलत चीज होगी, अगर छात्राओं का उत्पीड़न होगा तो ये भी ठीक नहीं है। ये तालिबान के हिसाब से नहीं चलेगा, देश का संविधान, देश का कानून, उसके हिसाब से देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। मैं भी सहमत हूँ कि एंटी रोमियो के आड़ में ऐसे बच्चों को नहीं लेना चाहिए जो निर्दोष है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बड़े अच्छे। आप सबसे तलाशी लेने लगे, सबको उठाने लगे। सुनिए, समाजवादी पार्टी की तो भाभी जी थी, वही इनके कार्यकर्ताओं से परेशान हो गई थी, भैया को याद करने लगी थी, तो अब उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। और बहन जी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये इसने पहले ही वायदा कर दिया था, क्योंकि आए दिन बच्चियां परेशान होती थी कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे जिससे कि बच्चियां स्कूल और कॉलेज जा सके, वही जो हमने कहा हम वही कर रहे हैं। पर आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होंगी तो बच्चे रुके, इसमें काम कौन करेगा, या तो यूपी पुलिस करेगी या हिंदू वाहिनी। अब सवाल का जवाब, सवाल वाजिब है, लोगों को अगर आशंका है तो जवाब दीजिए। अनिल, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपने आला कमान की शक्ल देख के काम करती है, जब अखिलेश यादव थे तब उसका हाल देख लिया था, और आज आप देख लीजिए सड़कों पे नजर आ रही है पुलिस, तो यूपी पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा और अच्छा काम करेगा। प्रतीक जी, जनता के मन में सवाल है कि हिंदू युवा वाहिनी काम करेगी या पुलिस सवाल करेगी, सोचिए कितने डरे हुए हैं, ये भी उत्तर दे दिया।
कर से काम नहीं चलेगा। अरे अच्छा भाई तो करो, जनता जनता मौजूद है, जनता मौजूद है, जनता मौजूद है, जनता मौजूद है, जनता मेरे पीछे है, कहाँ जनता मौजूद है? बाजी कहाँ गई जनता? जनता नहीं दिख रही बाजी, कहाँ जा रहे भाई तुम, कहाँ से आ रहे हो? मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। कॉलेज से आ रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम करके आ रहे हो, पढ़ाई करके आ रहे हो ना? और कहीं तो नहीं गए थे? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज से आ रहे हैं बस। आज मालूम है बड़ी सख्ती चल रही है आजकल। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी जो ये फैसला हुआ है, जो सरकार ने फैसला लिया है एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का, वो ठीक है ना? फैसला ठीक है, मगर ध्यान से होना चाहिए, इम्प्लीमेंट सही से होना चाहिए। डर क्यों रहे हो इतना ज्यादा है? डरना किस बात का? एंटी रोमियो स्क्वाड है, बिल्कुल घर से बता के चले हो, आए हो ना? हाँ बिल्कुल बता के। क्या बता के आए? भैया जी कहेंगे प्रोग्राम में जा रहे हैं। हाँ, तो भैया के साथ जा रहे हैं। भैया जी के साथ? हाँ। आप यहीं पे शक पैदा करते हो तुम। अच्छा एनीवे, जनता ये इस बात का फैसला जनता करना चाहती है कि इसमें कहीं असुविधा या कहीं जा रहे हैं और पता चला पुलिस ने रोका और रोक के कहा कि नहीं साहब आपकी तलाशी होगी, ये जनता के मन में है। और ये जो आज 6 दृश्य हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए, और मैं चाहूंगा कि उसको दिखाया जाए कि सीतापुर, लखीमपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, ये 6 तस्वीरें हैं जहां पे पूरे उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई, यानी गोरखपुर उधर पूर्वांचल में, और इधर इलाहाबाद और मिर्जापुर ये, और इधर सीतापुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश से कि सीतापुर, लखीमपुर और अलीगढ़, ये 6 तस्वीरें जहाँ पर लगातार लोगों की, नवयुवकों की, उन्होंने कहा कि कहीं उठक बैठक लगवाया गया, कहीं तलाशी ली गई। ये जो ये दृश्य है, लोगों को लग रहा है कि शायद आशंकाएं देते हैं, ऐसा डर भी लोगों को है। बिल्कुल, इस आशंकाएं अपने मन से निकाल दें। समाजवादी पार्टी में चाहे बच्चे थे वो ऐसे थे, आप फोकस करिए, ये बच्चे जो थे उनका भविष्य ये था, और आप बदलेगी, आप बदलेगा। अभी एक हफ्ता हुआ है अनिल जी, शांति रखो, अब बच्चियां भी सुरक्षित होगी और बच्चों का भविष्य भी सुंदर होगा, बच्चों का भविष्य भी सुंदर होगा और बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाएंगे। अच्छा ये बताइए अनिल जी, एक सवाल बस, प्रतीक जी एक सवाल, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया, कई और चैनल ने दिखाया, पुलिस उठक बैठक करा रही थी, किसी की तलाशी ले रही थी, सिर्फ इतना बता दीजिए अनिला जी, क्या वो सही था, क्या वो कानून के दायरे में था? अगर नहीं था तो आप पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी? सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मैं उत्तर देती हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अरे भैया पुलिस की बात हो रही है, पुलिस को हमेशा अपने घर का नौकर समझा है, पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया है, पुलिस अब अपना काम करेगी। अनिल जी शांत रहिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। उठक बैठक लगवाने देना, उठक बैठक लगवाने दे, गलत काम करेगा कोई भी, ये सारे इनकी भी बहने हैं, उठक बैठक लगवाने क्या है? अगर कोई गलत काम करेगा, कानून की कोई वैल्यू नहीं है, कानून की कोई वैल्यू नहीं है, कहेंगे कि हाँ कानून की वैल्यू नहीं है, कौन सी धारा उठक बैठक लगवाई जाती है बताइए? काम पे पुलिस अपना काम करेगी, उठक बैठक लगवाई जाती है बताइए? कि हम अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है तो ये काम ठीक है कि एंटी रोमियो, पर हमें शक है, क्योंकि जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ आप ये देखिए कितनी महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी है, क्या आप बता सकते हैं? योगी जी को लोग कह रहे हैं कि योगी जी बहुत सख्त आदमी है। देखिए ऐसा है कि सख्त आदमी क्या इनके और प्रदेशों में सीएम सख्त नहीं है, क्या वे लूज है? आप ये देखिए, बहुत सख्त आदमी है, ये देखिए कितने, क्या देखिए आप, क्या शिवराज जी सख्त नहीं है, क्या गुजरात में सख्त नहीं है, उन प्रदेशों में देखिए, केंद्र में देखिए आप, केंद्र में जहाँ की दिल्ली में आए दिन जो रेप केस हो रहे हैं, ये महिलाओं का बड़ा नाजुक मुद्दा है, इसको हमें हंसी में नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए। और इसके ऊपर मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज तक कितनी बेटी बची है आप खुद देख लीजिए, इनके प्रदेश जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या क्या हाल है, और हम समर्थन करते हैं इस बात का। आपको लगता है जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है वो सिस्टम, मैं उसी पे आ रहा हूं, जुमलेबाजी है इन्होंने जो किया वो कभी किया, जुमलेबाजी है, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है जुमलेबाजी है, नॉन सीरियस है, सीरियसनेस नहीं है। मैं जवाब देती हूं बहन जी, आप ऐसा है योगी जी जो है गोरखपुर के हैं, कभी जाइए एक हफ्ता बिताइए, आपको पता चल जाएगा योगी जी जो वहाँ पे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी है, अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ, ना तो बलात्कार है बहन जी, बोल ले दो पानी पी लो ठंडा। मैंने गोरखपुर 6 दिन, अरे तो फिर आपको पता होगा, आपको पता होगा वहाँ ना बलात्कार है ना चोरी चकारी है,
बाजी, बहस तेज हो गई है, फुटपाथ पर बहस तेज है, लेकिन सरकार कहाँ है यही पता करना है। वक्त छोड़ दे, ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बाजी, आप बने रहिए। पाजी तो नोएडा में अट्टा में स्वागत है पाजी, वो सामने तुम्हारे बिल्कुल बिरयानी है, पीछे पराठे हैं। पाजी तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बिरयानी या पराठे? ये मालूम तुम्हें जवाब भी इसी में छुपा है। और ये पुनीत जी हैं, ये भी है, इनकी भी कहानी किसी दिन बताएंगे पाजी। तो इधर मोमो बिक रहे हैं पाजी, और इधर पीछे जनता तमाम खड़ी है। पाजी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पाजी, क्या बात है सर। पाजी खाने वाले लोग तादाद बहुत है, क्या बात है पाजी। तो साहब ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है, ये ठीक है ना फैसला? ठीक ही है सर। क्यों, कोई राय नहीं है? कोई कमेंट? कोई राय नहीं, नो कमेंट्स। क्यों, बस ऐसे ही। एंटी रोमियो स्क्वाड बना है, छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर मजबूती होनी चाहिए, ठीक थी नहीं? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, होना चाहिए ऐसी। अच्छा किया जो योगी जी करेंगे सही करेंगे, आप तो मोदी सही, योगी सही करेंगे। अच्छा बोलो ना, जो पूछो चाहे ना पूछो, बताओ जरूर है। हाँ जी बताएंगे, पूछो ना पूछो, लेकिन ये बताएंगे जरूर। देख रहे हैं सर, बोलो तुम ही बोलो, हम क्या बोले। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 साल है, 5 साल बहुत कुछ करना है हमें, यूपी को बहुत बड़ा कुछ बना के दिखाना है हमें। क्या नाम हो गया आपका? सनी। कहाँ से जीते हैं आप? जीते नहीं है। अच्छा अच्छा, हम तो जीते हैं, हमने 325, हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं 325 में आप भी एक कोई हो। जीत जाएंगे लग रहा। अब ऐसा करें, हम दोनों लोग, हम भी बोलने वाले, आप भी बोलने वाले, ये खाने वाले हैं, इनको खाने तो बेचारे है ना। हम लोग किधर चले? लखनऊ तो इधर है बाजी, क्या बात है बाजी। आ जाओ बाजी, डिस्टर्ब तो नहीं किया, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपकी इवनिंग तो नहीं खराब हुई ना बाजी? आ जाओ बाजी, बात करते हैं बाजी, आ जाओ। टेल मी वन थिंग, कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, दिस इज अ गुड डिसीजन, गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, मतलब यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो महिला सुरक्षा को लेकर, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा, इट्स अ गुड थिंग, डेफिनेटली गुड थिंग, डेफिनेटली गुड। यस गुड थिंग। अच्छा है, लगता है कि ऐसा 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 फैसला, लेकिन आप तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो कोई बॉयफ्रेंड के साथ बैठा था, कोई कहीं जा रहा था, लोगों ने चेकिंग करनी शुरू कर दी, पुलिस ने कहीं कुछ पनिशमेंट देने शुरू कर दिया, इट्स अ गुड थिंग, और इसमें कुछ ऐसा डर रहेगा कि नहीं? पुलिस शुड फर्स्ट वेरीफाई व्हाट आर दोस पीपल डूइंग देयर एंड व्हाट आर लाइक दे कैन चेक द आईडी कार्ड्स एंड आल्सो इफ इट्स अ गुड थिंग लाइक कैन सिट देयर लाइक इट्स पुलिस राइट वी हैव टू लाइक हैव बिलीफ ऑन देम। देखो कुछ ना कुछ वुमेन सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा, तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे स्टेप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। आ जाओ बाजी, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ, आ जाओ बाजी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ओ सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ बाजी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाजी, पीछे पीछे आ जाना उधर, तो जनता बाजी आपके पीछे पीछे, कितनी भीड़ चलती है बाजी, कितने लोग लेके चलते हो घर? चाचा और बिरयानी चल रही है? सही बिरयानी चल रही है, सही, बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ चिकन की बिरयानी है? चिकन की है, अच्छी है, कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं कोई कमी नहीं, बढ़िया चल रही है, ठीक है, बेच रहे हैं, बैठे हैं, ऊपर वाले का फसल है, दुआएं हैं उसकी। चाचा तो साहब बात यहाँ सिलसिला जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से लास्ट कमेंट शुरू करते हैं, लोगों ने कहा जी अनिल जी वहीं से मैं एकदम लास्ट सिरे पे आते हैं बहस की, बातचीत की फुटपाथ पर, कि लोगों ने कहा कि हाँ एक डर जरूर है कि कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही था, स्क्रैच से शुरू करना था, वुमेन सिक्योरिटी का इशू था, तो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है उस पर मुझे भरोसा तो है, करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आगे वी विल रिव्यू इट, ये देखेंगे कि कहां तक जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई भी, ये नहीं कोई भी जो जनता के हित में फैसला होगा समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पर छोड़ा है, योगी जी उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम उनके साथ हैं जी। अनिला जी आप सवाल ये था, लोगों ने कहा कि बस यही डर है कि हर जगह जो तस्वीरें मैं दिखा रहा था कि हर जगह लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो तलाशी शुरू कर दी जाए, कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं, अब कहीं उसमें भी लोग तमाम सारे इश्यूज हुए, तो ये ना पनिशमेंट अपनी तरफ से देना शुरू ना हो जाए, लोगों ने कहा।
जी बिल्कुल भी नहीं, जो कानून होता है कानून के तहत ही सारे कार्य होंगे यहाँ पर, और अभी तो अव्यवस्था को ठीक करने की शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। जैसे आपने एक ऐड देखा है ना कि सब कुछ बदल डालूंगा, तो योगी जी का यही है, जितनी भी गलत चीज़ें इस प्रदेश में हो रही थी सब खत्म करके नई नई चीज़ों में बदलाव बिल्कुल आएगा और लोग खुश रहेंगे उत्तर प्रदेश के। जब ये कह रहे थे सब कुछ बदल डालेंगे तो अनिल जी आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे भाई बताइए। देखिए सब कुछ में अच्छी चीज़ें भी आती हैं क्योंकि, पर अनिला जी अच्छी प्रवक्ता है, इन्होंने अपनी बात बदल ली, अपनी बात बदल ली क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ बदल डालूंगा जिसमें अच्छा भी है, और अनिला जी ने अपने हिसाब से पार्टी के हित में अपनी चीज़ें चेंज कर ली। अब जैसे कि अमित शाह जी का बयान था कि सारे कत्लखाने बंद होंगे, पर अनिला जी उसको कह देती हैं कि नहीं नहीं उन्होंने सिर्फ कहा था कि अवैध बंद होंगे, तो जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जनता ने देखा स्टेज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बयान दिया जो कि बिल्कुल झूठा था। अब आप पूछ लीजिए इनसे। अवैध बूचड़खाने सभी बंद होंगे, दोबारा बोल देती हूँ मैं। सुनीता जी देखिए ऐसा है कि आधी आबादी की सुरक्षा करना हर प्रदेश सरकार का दायित्व होता है, और अगर इन्होंने ये फैसला लिया और बिल्कुल एकदम बहुत ही नाजुक इशू है, और इशू पे अगर इन्होंने ये लिया कि एंटी रोमियो चलाया या महिलाओं या बच्चियों की सेफ्टी के लिए जो लिया है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा महिलाओं की इज्जत किया, मान सम्मान किया, और महिलाओं के लिए ऐसे कानून बनाए हैं, सख्त कानून बनाए हैं, उसमें महिलाओं की सेफ्टी के लिए चाहे कोई नंबर हो महिलाओं की सेफ्टी के लिए या फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इस तरह के कई ऐसे महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने लिए हैं। और हम तो चाहते हैं कि कोई भी सरकार है वो सिंसियरली काम करे और इसका मिसयूज ना करे, बात में गंभीरता होनी चाहिए, बात में मिसयूज ना करे कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि बेचारे निर्दोष है या हस्बैंड वाइफ है, उनको ना पकड़ के वो किया जाए, पर ये कि सेफ्टी बहुत जरूरी है, पुलिस को अच्छे सख्त कानून बनाने चाहिए हर सरकार को महिला सेफ्टी के लिए। अकलियत है, जो अकलियत है उनको, मैं अनिला जी मैं एक बात और कह लूं, जो अक्सर सवाल आजकल बड़ा मामले में भी जुमला नहीं होना चाहिए और वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए जो वादे तो आपको लग रहा था क्या ये जुमलाबाजी कर रहे थे? नहीं नहीं आपको लग रहा था क्या ये जुमलाबाजी कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने जो जो वादे किए हैं वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, तो वो किसी भी प्रदेश में पूरे नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं की सेफ्टी के लिए किया, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लिए, गुजरात देख लीजिए, मैं दो बात कहूंगी प्रदीप जी, जैसे इन्होंने बोला है कि कोई भी वायदे पूरे नहीं किए, तो मैं केवल निवेदन करूंगी, विनती करूंगी इनसे कि जाके हमारी वेबसाइट चेक कर ले हर मंत्रालय की, इन्हें पता चल जाएगी जो हमने कहा वो हमने पूरा किया कि नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अभी अभी इन्होंने आधी आबादी के विषय में ये कहा है, मुझे अच्छा लगा, अगर कांग्रेस जो है ये जो एक नेक काम हमारी सरकार कर रही है अपनी बच्चियों के लिए बहनों के लिए, कांग्रेस इसमें साथ देती है एक सकारात्मक विपक्ष की तरह, तो निर्भया की आत्मा को शांति मिलेगी, कृपया करके हमारा साथ दें। कृपया करके हमारा साथ, आपको बिल्कुल हम साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे ना, कह दीजिए यही कह दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथ देंगे, अच्छी चीज होगी जो जनता के हित की होगी हम उसमें साथ देंगे, साथ देंगे, बस 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 बस। आपने क्या ले लिया सेल्फी, आप उसी में लगे रहिए बस सेल्फी में, और वहाँ पे ना वहाँ आप कुछ पूछेंगे तो अच्छा जवाब भी दूंगा, वहाँ पर नहीं नहीं आप बस अपने काम में लगे रहिए, सेल्फी लेते रहिए, और वहाँ पे उन्होंने आर पार की तैयारी कर ली है, कौन? अमित जी ने आर पार के मूड में आ गए।